नागौर, राजस्थान। नागौर लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता बंदोबस्त। मतदान दलों को प्रशिक्षण से लेकर रवानगी व वापसी तक की तैयारियां पूर्ण। गुरुवार आज को मतदान दलों की हुई रवानगी। नागौर लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन एवं निर्वाचन शाखा ने मतदान दलों की प्रशिक्षण, रवानगी व संग्रहण संबंधित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे पीठासीन अधिकारियों व कार्मिकों को मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए पुख्ता प्रबंध करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए गए। रवानगी के समय रही यह व्यवस्था। लोकसभा आम चुनाव के तहत मादी बाई मिर्धा कॉलेज ग्राउंड से परबतसर, डीडवाना, नवा व मकराना विधानसभा के मतदान दलों की रवानगी हुई, जहां प्रशिक्षण स्थल के लिए बड़ा पांडाल बनाया गया है, जिसमें विधानसभावार अलग अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही इस पांडाल में सेक्टर मजिस्ट्रेट व माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं वाहन चालकों के लिए विश्राम गृह, यातायात प्रकोष्ठ तथा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ओर बस पार्किंग व हाईवे की ओर कॉलेज के सामने सेक्टर मजिस्ट्रेट के वाहनों की पार्किंग की गई है। वहीं बीआर मिर्धा कॉलेज ग्राउंड से लाडनू, जायल, नागौर व खींवसर विधानसभावार मतदान दलों को रवाना किया गया। इसके लिए चार चार काउंटर लगाए गए हैं, जहां लाडनू, जायल, नागौर व खींवसर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को भी रवाना किया गया। वहीं यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिसकर्मियों व सुरक्षा जवानों के लिए भी अलग से पांडाल बनाया गया है। बसों की रवानगी की गई। वहीं पार्किंग के लिए सुरक्षा जवान तैनात रहे तथा वाहनों की सुरक्षा हेतु मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। पांडान में एक साथ बैठ 50 दल। नागौर कॉलेज ग्राउंड में बनाए गए पांडान में इस बार मतदान दलों को सामग्री लेते समय व वापस जमा करवाते समय लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वहीं एक साथ 50 दलों के बैठने की व्यवस्था के लिए अलग अलग पांडाल में कुर्सियां लगी हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ रिजर्व मतदान दल भी मौजूद हैं। रेडी होंगे, कैसे वोट की प्लेसमेंट होनी है, सर्वेलेंस यहाँ पर हमारी वेबकास्टिंग से है, वो किस तरह से वोट की प्लेसमेंट होनी है, कैसे वहाँ पर आपने CUPU VVPAT लगाना है, वहाँ पर वोटर फैसिलिटेशन बूथ कैसा है, वहाँ पर असिस्टेंस कैसी है, हर बूथ पर हमने फैसिलिटेटर्स लगाए हुए हैं। आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, जो हमारे वोटर्स को कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो आपकी जो टीम है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3, हर एक का एक स्पेसिफिक काम होता है, तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी आप हैं अपना स्पेसिफिक काम कीजिए और अपना काम कीजिए। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी टीम का ऐसा तैयार किया गया आपके द्वारा। सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण इंतजाम किए हैं, जो सेंटर पे है, पोलिंग बूथ पे है, पोलिंग बूथ के बाद जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ है उसके बाद में जो CPMF लगाना वो है, मोबाइल पार्टीज है, पुलिस सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है, रिजर्व पार्टीज है, सभी को लेके करीब 6500 पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। मैं आपके माध्यम से नागौर की जनता को कहना चाहूँगा कि फ्री और फेयर चुनाव होगा और भय में तो के अपने मतदान मत का प्रयोग करें। मतदान दल यहाँ से आज रवाना हो रहे हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जो नागौर संसदीय क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए हर एक पोलिंग स्टेशन पे 4 कार्मिक हैं जो एक्टिव पार्टी हैं, उसके अतिरिक्त रिजर्व पार्टियां भी है और एक्स्ट्रा रिजर्व पार्टी भी है जो हम अलग अलग लोकेशन पे उसको भिजवाएंगे। और इनके साथ में 173 स्थान ऐसे भी हैं जहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं और सेक्टर ऑफिसर्स हैं, 187 सेक्टर ऑफिसर हैं 8 विधानसभा क्षेत्र को मिला करके, जो इनके साथ जाएंगे, इनको फॉलो करेंगे और औसतन जो है करीब 9 या 10 के आसपास करीब पोलिंग स्टेशन है जो एक सेक्टर ऑफिसर के क्षेत्र में आ रहे हैं। और समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी है, ये अंतिम प्रशिक्षण भी इनको यहाँ पे दिया गया है और अब कुछ ही समय बाद इनको सभी पोलिंग पार्टीज़ को यहाँ से रवाना किया जाएगा। लास्ट मिनट ब्रीफिंग है वो एक अंतिम रूप से यहाँ पे करनी है और उसके बाद इनको सभी को यहाँ से हम प्रस्थान करने के लिए निर्देशित करेंगे। सारे वाहन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, कल से ही रिपोर्ट हो चुकी है, वाहन भी तैयार हैं, पुलिसकर्मी जो इनके साथ जाने वाले हैं वो भी यहीं पर वो बसों में बैठ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अगले 1 घंटे के अंदर हमको यहाँ से इनका प्रस्थान देखने को मिलेगा और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो मतदान का नियत समय है उसमें
मतदान की मतदान का काम होगा। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल का काम होगा और विस्तृत प्रशिक्षण आज सुबह भी इनको दिया गया है। और हम सभी से जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी से यही हमने शुभकामनाएं व्यक्त की कि हम अच्छे से इस चुनाव को संपन्न कराएं। मतदाताओं के लिए क्या संदेश है सर? मतदाताओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि